दर्शकों, मानस मंडल द्वारा जो 9 नवंबर से कार्यक्रम कुशलबाग मैदान में होने वाला था वह स्थगित कर दिया है और इसके बजाय यह कार्यक्रम अब 13 दिसंबर से प्रारंभ होगा। आइए मानस मंडल के अध्यक्ष महेश पंचाल और महासचिव अमृतलाल पंचाल से इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। जय श्री राम। श्री राम चरित मानस मंडल की ओर से दीपावली नूतन वर्ष की सभी नगरवासियों को राम राम। आपको विदित है कि इसी 9 तारीख से 17 तारीख के बीच में मानस मंडल का अपना जो 9 दिवसीय 21वां रामायण पाठ, जया किशोरी जी का नानीबाई का मायरा, राम नाम परिक्रमा एवं 25वां सुंदरकांड का पाठ का जो आयोजन था वह नगर परिषद चुनाव के खातिर इसको पोस्टपोन कर दिया। अब यही प्रोग्राम अपना दिसंबर में 13 तारीख से 21 तारीख के बीच में होगा। यह प्रोग्राम 21वां रामायण पाठ, इसके बाद बाल व्यास श्री शेखर जी महाराज जी के द्वारा श्री राम कथा, राम नाम परिक्रमा एवं 25वां सुंदरकांड का भव्य आयोजन होगा जो 13 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। 21वां रामायण पाठ के लिए पूर्व से ही जिन जिन महानुभावों का रजिस्ट्रेशन किया है वह कूपन उनके पास पड़े हुए हैं, कृपया उन्हीं कूपनों को 13 दिसंबर 2019 को प्रातः 7 बजे कुशलबाग ग्राउंड में ही लेकर के आना है। और जो जो भी कूपन में आप रामायण पाठी के रूप में रजिस्ट्रेशन किया गया है उनका उनकी संख्या आपको नंबर याद रखना है और उसी व्यासपीठ पर आपको बैठना है, बैठ करके रामायण पाठ करना है। 8:30 बजे उसी 13 तारीख को ये हनुमान जी मंदिर वाटर हाउस वाले हैं वहाँ से शास्त्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी और 9 बजे यहाँ पर आ जाएगी कुशलबाग ग्राउंड में और आपको वहीं पर समस्त रामायण पाठ के लिए बैठना है। सभी रामायण पाठियों के लिए, महिला हो पुरुष हो, उन सभी के लिए साड़ियों की व्यवस्था, पीताम्बरों की व्यवस्था, गौमुखी आसन, मालाएं, रामचरित मानस की 83 नंबर की पुस्तक, दुपट्टा, रामायण ढकने का पाटला वगैरह सभी मंडल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको ये प्रचार प्रसार की समस्त सूचना हम अखबारों के माध्यम से भी देंगे तथा जो जो भी लोग हैं वह अपने स्तर पर भी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी सूचना पहुंचा दें। फेसबुक से है, व्हाट्सएप से है, आपको सूचना बार बार मिलती रहती है। सुबह 9 बजे अहमदाबाद से बधा रहेंगे शास्त्री जी, वही 9 से 12:30 बजे तक रामायण पाठ करेंगे। ये रामायण पाठ 9 दिन तक चलेगा। 12:30 बजे के पश्चात जो जो भी रामायण पाठ करेंगे उनके साथ में लोग रहेंगे, उन सभी के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था मंडल द्वारा वहाँ पर रखी गई है। इसके साथ में ही ये कार्यक्रम 13 से 21 तक चलेगा। 21 तारीख को सुबह 9 बजे से ही 25वां सुंदरकांड का विशाल कार्यक्रम होगा, हवनात्मक होगा सुंदरकांड, और जिसके अंदर अनुमानित 5,000 महिला और पुरुषों की बैठने की, भाग लेने की संभावना है। 12:30-1 बजे 25वां सुंदरकांड एवं 9 दिवसीय रामायण पाठ की पुनौती होगी तथा समस्त महानुभावों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था भी उस दिन 21 तारीख को की गई है। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में पधार कर धर्म लाभ लेवे और इस बात का निश्चित ध्यान रखें 13 दिसंबर 2019 को प्रातः 7 बजे वर्णी लेने के लिए कुशलबाग ग्राउंड में ही आप सभी को जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको अपने कूपन साथ लाने, जो कूपन साथ में नहीं लाएगा उनको रामायण पाठ में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। कृपया इस बात का पूरा ध्यान रखें। अगली सूचना हमारे मंडल के महामंत्री जी
श्री अमृतलाल जी बंचाल आपको आगे क्या कार्यक्रम होगा उसकी सूचना हमारे अमृतलाल जी बंचाल आपको देंगे। जय सियाराम। समस्त मानसनगर के भक्तों का जय सियाराम। नए वर्ष के उपलक्ष में दीपावली आदि शुभकामनाएं आप सभी को। अभी हमारे महेश जी ने आपको समस्त कार्यक्रम की जानकारी दी है। हमें खेद है, कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ चुका है और इसकी सारी सूचना हम आपको अखबार द्वारा सूचित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे मानस मंडल की जो भी सदस्य हैं उनको हम पत्रिका बांट चुके हैं। अब आगे किस प्रकार की कोई पत्रिका नहीं छपवाई है, जो पत्रिका हम दे चुके हैं वही कार्यक्रम आगे चल रहा है और अखबारों द्वारा व्हाट्सएप द्वारा सूचनाएं हम आपको प्रेषित कर रहे हैं। आप ध्यान लगाएं, कार्यक्रम आपको बताई दिया गया है 13 से 21 दिसंबर कार्यक्रम चलेगा। 21वां रामायण पाठ और श्री राम नाम परिक्रमा, रामकथा और 25वां सुंदरकांड हमलात्मक होगा। अब मैं केवल राम नाम परिक्रमा पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि राम नाम लेखन संग्रह मानस भवन में रखा हुआ है, जो 81 करोड़ राम नाम संग्रह कथित हुआ है, साथ ही 31 करोड़ ओम नमः शिवाय का संग्रह भी मानस भवन में पड़ा हुआ है। ये सारा संग्रह हम कुशलबाग मैदान में लाएंगे और जिसकी परिक्रमा गणेश जी द्वारा करवाएंगे, गणेश जी के साथ में अपन जितने भक्तजन कुशलबाग मैदान में 13 से 21 में इकट्ठे होंगे, ये सभी प्रतिदिन 11-11 परिक्रमा करेंगे। फल से करो, चॉकलेट से करो, जैसे भी करना चाहो, किंतु 11 परिक्रमा प्रतिदिन करोगे आप 9 दिन के अंदर 108 परिक्रमा कर चुके होंगे। ये परिक्रमा कार्यक्रम 13 तारीख से 21 तारीख तक प्रतिदिन प्रातः 8 से साय 6 बजे तक चलेगी। इसके साथ ही रामकथा का आयोजन जो बाल व्यास श्री शशि शेखर जी महाराज यूपी से झांसी से पधार रहे हैं, जो विश्व में पहला संत ऐसा है जो बिल्कुल बाल उम्र है उनकी, अभी 8 से 9 साल की उम्र है उनकी, और व्यासपीठ पर बैठ के रामकथा करते हैं बिना देखे, आप देख के चकित रह जाएंगे। प्रातः 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू होगा, 14 से 18 रामकथा 5 दिन की रखी गई है, उनके पास समय नहीं है, 5 दिन का समय बड़े मुश्किल से हमको मिला है। 14 तारीख को उनकी रामकथा शुरू होगी, साय दोपहर में 3 बजे कथा शुरू होगी और साय 6 बजे उसकी कथा की पूर्णावधि होगी। ये रामकथा 5 दिन लगातार चलेगी। रामायण पारायण के पश्चात भोजन होगी, भोजन प्रसादी के पास आप सबको कथा में विराजमान रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दिया गया है कि 2508 सुंदरकांड महायज्ञ होगा, वो उसमें जितने भी नगर के लोग हैं उन सबको सुंदरकांड की पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे और सुंदरकांड का पारायण प्रातः 9 बजे 21 तारीख को शुरू होगा और 12 बजे जिसकी श्रीपुर के साथ पूर्णावती होगी और उसमें नगर भोज का आयोजन होगा। जितने भी मां रामायण में पधारेंगे उन सभी का मां प्रसाद का आयोजन होगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम की पूर्णावति हमारी होगी। बीच में जो कार्यक्रम रुका है, विलम्ब हुआ है, उसके लिए मंडल क्षमा करती है और आप सभी इस कार्यक्रम में सप्रेम पधारें, आमंत्रित आप सभी को और किसी प्रकार की अन्य सूचना नहीं दी जाएंगी। बोलो विद्यानाथ की जय।